Hello everyone, good morning, welcome back to your UPSC. So guys, we will continue with our series, that is Aapno Rajasthan. Now in this series for today we will look into a new topic, that is maximum and minimum in Rajasthan. Okay, maximum and minimum in Rajasthan. तो कोई से भी रीजन्स राजस्थान में, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में देखेंगे हम, जिनमें कोई चीज़ या तो मैक्सिमम हो इन क्वांटिटी होगी या फिर मिनिमम इन क्वांटिटी होगी. ओके, सो वी विल स्टडी ऑल दोज रीजन्स. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पैटर्न वही होगा, क्लॉकवाइज चलेंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल गंगानगर, अभी वी विल स्टडी मैक्सिमम इन राजस्थान. ठीक है, वो सारे रीजन्स जहाँ पर कुछ भी मैक्सिमम है राजस्थान में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गंगानगर में, गंगानगर में वी विल सी दैट एससी का जो परसेंटेज है, ओके, पॉपुलेशन, एससी पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है, दैट इज़ हाईएस्ट इन गंगानगर. ठीक है, गंगानगर में एससी पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन, प्लीज़ रिमेंबर, नॉट पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन परसेंटेज है, ठीक है, वो क्या है, हाईएस्ट. नाउ देन आगे चलते हैं अपन. सेकेंड इज गंगानगर में आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैपेसिटी वाला पावर प्लांट मिलेगा जिसका नाम है सूरतगढ़ पावर प्लांट. नाउ दिस सूरतगढ़ पावर प्लांट, ये क्योंकि हाईएस्ट कैपेसिटी है तो पावर प्लांट की, ठीक है, इन राजस्थान, तो ये राजस्थान का एक तरीके से मॉडर्न डेवलपमेंट का क्या हो गया, पिलग्रिम. ओके, एक क्या हो गया, तीर्थ स्थल. दैट इज वाई इसे राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ स्थल कहा जाता है. ठीक है, तो राजस्थान मॉडर्न डेवलपमेंट का क्या हो गया, ये पिलग्रिम. ओके, नाउ थर्ड गंगानगर के बारे में, ये जो एरिया है गंगानगर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लू चलती है एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टॉर्म्स आते हैं. ओके, आंधी, तूफान, लू, ये सबसे ज़्यादा गंगानगर में चलते हैं. तो सबसे ज़्यादा लू, आंधी, तूफान वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, गंगानगर. ओके, गंगानगर. नाउ फोर्थ थिंग इज़, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब राजस्थान में सबसे ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन कहाँ होता है, गंगानगर में. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द कैनाल्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कैनाल्स गोइंग ऑन, यहाँ पर ये गंगानगर का जो एरिया है, इट इज़ मोस्ट इरिगेटेड एरिया. ठीक है, सबसे ज़्यादा इरिगेटेड एरिया है ऑफ राजस्थान. ठीक है, या फिर सबसे ज़्यादा इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, कौन सा है, गंगानगर. तो गंगानगर में आपको 5 पॉइंट देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन का परसेंटेज इज़ इन गंगानगर. ठीक है, हाईएस्ट कैपेसिटी पावर प्लांट जो है वो आपको सूरतगढ़ पावर प्लांट मिलेगा गंगानगर में. देन सबसे ज़्यादा लू और स्टॉर्म्स कहाँ पर चलते हैं, गंगानगर में.
सबसे ज्यादा फ्रूट प्रोडक्शन गंगानगर एंड मोस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट इज गंगानगर. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट. हनुमानगढ़ में ऐसा कुछ नहीं है जो कि इसको मैक्सिमम पे लेके आए. ठीक है, नाउ देन थर्ड इज चूरू. ठीक है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ में कुछ नहीं है, देन चूरू. चूरू को आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा थर्मल वेरिएशन है. ओके, सो इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम थर्मल वेरिएशन या टेम्परेचर वेरिएशन. ठीक है, तो यहाँ पर सर्दियाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं एंड देन गर्मियाँ बहुत बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं. ठीक है, सो दैट इज़ वाई यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा थर्मल वेरिएशन देखने को मिलेगा. सबसे ज़्यादा गर्म, ठीक है, तो वी कैन से हॉटेस्ट और वार्मेस्ट प्लेस या डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? चूरू. ठीक है, हॉटेस्ट या वार्मेस्ट प्लेस और डिस्ट्रिक्ट इज चूरू. एंड देन लास्टली संवत्सर एंड कोटसर. ये एरिया है संवत्सर कोटसर एरिया, ये एक तरीके का क्या है, बहुत बड़ा एरिया है. ठीक है, यहाँ पर हंटिंग रिस्ट्रिक्टेड है या प्रोहिबिटेड है. ठीक है, यहाँ पर हंटिंग क्या है, प्रोहिबिटेड है. सो इट इज़ अ वेरी बिग एरिया. तो सबसे बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा हंटिंग प्रोहिबिटेड एरिया कौन सा है? चूरू में संवत्सर कोटसर एरिया. ठीक है, तो चूरू के तीन पॉइंट हो गए, सबसे ज़्यादा थर्मल वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर. देन या चूरू में सबसे ज़्यादा गर्म प्लेस या चूरू खुद एक सबसे ज़्यादा गर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट है. देन वी हैव संवत्सर कोटसर एरिया. ये एरिया राजस्थान का सबसे बड़ा हंटिंग प्रोहिबिटेड एरिया है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट वी हैव झुंझुनू. नाउ सी झुंझुनू में आपको सबसे ज़्यादा मेल लिटरेसी रेट मिलेगी. जस्ट अ सेकेंड गाइस. झुंझुनू में सबसे ज़्यादा मेल लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलेगा. देन सेकेंड इज यहाँ पर सबसे ज़्यादा रूरल मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट है. रूरल, ओके, रूरल याद रखना है, रूरल इज़ द कीवर्ड. तो मेल लिटरेसी रेट ओवरऑल, ठीक है, रूरल मेल और फीमेल लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यहाँ पर है. बट इन परसेंटेज, ठीक है, इन परसेंटेज, ठीक है. नाउ नॉट लिटरेसी रेट, लिटरेसी परसेंटेज, ठीक है, वो कहाँ है? झुंझुनू में. झुंझुनू में मेल लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है. एंड देन ये भी क्या है, परसेंटेज में है. रूरल मेल और फीमेल लिटरेसी रेट इन परसेंटेज. देन थर्ड पॉइंट इज यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला, हाईएस्ट कैपेसिटी वाला वाटर हीटर देखने को मिलेगा जो कि कहाँ पर है, बिट्स पिलानी. बिट्स पिलानी में, ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला वाटर हीटर देखने को मिलेगा इन बिट्स पिलानी.
मेल लिटरेसी रेट इन परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ है? झुंझुनू में। रूरल मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ है? झुंझुनू में। ओके एंड देन लास्ट पॉइंट इज सबसे ज़्यादा म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज कहाँ हैं? झुंझुनू में, ठीक है, सबसे ज़्यादा नगर पालिकाएँ झुंझुनू में हैं। सो दीज आर द फोर पॉइंट्स अबाउट झुंझुनू। सबसे पहला क्या है? मेल लिटरेसी परसेंटेज, रूरल मेल एंड फीमेल लिटरेसी परसेंटेज, हाईएस्ट कैपेसिटी वाटर हीटर एंड देन मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज आर इन झुंझुनू, ठीक है। नाउ झुंझुनू हो गया, अब आगे चलते हैं। सीकर में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सीकर में ऐसा कुछ नहीं है। देन वी हैव जयपुर। नाउ सी गाइस, जयपुर में बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हेयर वी हैव 9 पॉइंट्स। सबसे पहली बात, मैक्सिमम नंबर ऑफ पटवार सर्कल कहाँ है? जयपुर में। एंड दे आर 613 इन नंबर, ठीक है। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स कहाँ है? जयपुर में। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ तहसील, ठीक है, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन ओके, देन सबसे ज्यादा इट इज अ डिस्ट्रिक्ट विद सिटी विद मैक्सिमम पॉपुलेशन, ठीक है। ये ऐसा जिला है, ठीक है, जिसमें ऐसा एक नगर है जिसकी सबसे ज़्यादा क्या है? पॉपुलेशन है। ओके, गेटिंग द पॉइंट? इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट विद सिटी विद मैक्सिमम पॉपुलेशन। देन यहाँ पर सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन है। ओके, सो कुछ याद आ रहा है आपको एससी पॉपुलेशन से? गंगानगर में भी सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन थी, बट इन परसेंटेज, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर 100 लोग रहते हैं, ठीक है, एंड 97 लोग क्या हैं? एससी है, ठीक है, 97 लोग क्या हैं? एससी है, तो 97% इज एससी। ओके, एंड यहाँ पर क्या है? 1000 लोग रहते हैं, ठीक है, जयपुर में क्या है? 1000 लोग रहते हैं एंड आउट ऑफ देम वी हैव 200 एससीज, ठीक है। तो परसेंटेज ज़्यादा कहाँ पर हो गया? गंगानगर में, बट नंबर ज़्यादा कहाँ पर हो गया? इन जयपुर। गेटिंग द पॉइंट? तो एससी पॉपुलेशन इन नंबर इज मैक्सिमम इन जयपुर, ठीक है। अब आगे देखिए आप, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जयपुर, ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जयपुर। ओके, तो पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उससे पॉपुलेशन डेंसिटी हम देखेंगे। ओके, लेट्स से एक एरिया है विच इज 1 स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पर 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, एंड देन एक एरिया है विच इज 1 स्क्वायर मीटर। ओके, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ये 1 स्क्वायर किलोमीटर है,
ये एक स्क्वायर मीटर है, यहाँ पर 50 लोग रह रहे हैं, ठीक है। नाउ नंबर वाइज क्या है, यहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, बट डेंसिटी अगर आप देखेंगे तो वो कहाँ पर ज़्यादा है, सेकंड एरिया में, लेट देम बी ए बी, ठीक है, तो बी जो एरिया है वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है। तो इसी तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ मोर इन जयपुर, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट गाइज, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, जयपुर में। आगे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, सॉरी, जो कोऑपरेटिव कम्युनिटीज़ होती हैं, ये सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, ये सबसे ज़्यादा हैं जयपुर में। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट या फैक्ट्रीज सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, जयपुर में, ठीक है। सो वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये 9 पॉइंट्स हैं अबाउट जयपुर, ठीक है। तो ये क्या है, मैक्सिमम जो चीज़ें हैं जयपुर में, जो मैक्सिमम पे हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। तो सबसे पहला क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पटवार सर्कल, देन वी हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ तहसील, दूध का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ होता है, जयपुर में, एंड देन इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट विद सिटी विद मैक्सिमम पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन इज इन जयपुर, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा जयपुर में है, कोऑपरेटिव कम्युनिटीज या कोऑपरेटिव कमिटीज सबसे ज़्यादा कहाँ है, जयपुर में, एंड देन मैक्सिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर इन जयपुर, ठीक है। नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड जयपुर। जयपुर के बाद नेक्स्ट आता है अलवर। नाउ अलवर में आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ तहसील, ओके, अगेन सम कंफ्यूजन, सी मैक्सिमम नंबर ऑफ तहसील वॉज इन जयपुर एज वेल, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे 16 तहसील है, अलवर में भी 16 तहसील है, ठीक है, दैट इज़ वाई मैक्सिमम नंबर ऑफ तहसील इन अलवर इज 16, ठीक है। तो आगे देखेंगे मैक्सिमम अर्बन डिकेडल ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा कहाँ है, अलवर में, एंड इट इज़ लाइक 50.5%, ठीक है। तो अर्बन एरिया में जो डिकेडल ग्रोथ रेट हो रही है, मतलब हर 10 साल में जो ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है आपको, वो है 50.5%, ठीक है। तो 50.5% जो ग्रोथ रेट है वो मैक्सिमम ग्रोथ रेट है इन राजस्थान, ओके, एंड विच इज़ इन अलवर, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है अलवर के बारे में, सबसे पहला तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ तहसील एंड देन अर्बन डिकेडल ग्रोथ रेट, ये मैक्सिमम है अलवर में, ठीक है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट इज, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट इज दौसा। नाउ दौसा में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा एनिमल डेंसिटी, ओके, सबसे ज़्यादा एनिमल डेंसिटी कहाँ है, दौसा में, देन दौसा का एक ही पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं टूवर्ड्स अजमेर, अजमेर में भी एक ही पॉइंट है, दैट यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ तहसील देखने को मिलेगी, ओके, यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ तहसील देखने को मिलेगी। देन वी हैव टोंक, टोंक में आपको सबसे ज़्यादा
स्टॉक इज बेसिकली वी विल सी सिटी विद मैक्सिमम सेक्स रेशो. ओके, टॉक इज अ सिटी विद मैक्सिमम सेक्स रेशो. देन ये हो गया, उसके बाद में बांसवाड़ा. ठीक है, सॉरी नॉट बांसवाड़ा, आई एम सो सॉरी, भीलवाड़ा. भीलवाड़ा में भी आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ तहसील है, बट अलोंग विद इट वी हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सब डिविजन्स. ठीक है, तहसील के साथ साथ क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब डिविजन्स. तो तहसील भी कितनी है 16 एंड सब डिविजन्स भी कितने हैं 16. ठीक है, नाउ इसके बाद में नेक्स्ट आता है 12. 12 में आप देखेंगे हाईएस्ट स्पाइसेस प्रोडक्शन. ओके, तो जो स्पाइसेस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, वो होता है 12 में. ठीक है, तो सबसे पहले दौसा में सबसे ज़्यादा एनिमल डेंसिटी है, उसके बाद अजमेर में क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ तहसील, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप टोंक. टोंक में क्या है, इट इज़ अ सिटी विद मैक्सिमम सेक्स रेशो. उसके बाद भीलवाड़ा. भीलवाड़ा में दो चीज़ें हैं, एक तो मैक्सिमम नंबर ऑफ तहसील एंड सेकेंड थिंग इज मैक्सिमम नंबर ऑफ सब डिविजन्स. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज 12. 12 में वी विल सी 12 इज अ हाईएस्ट या बिगेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसर ऑफ राजस्थान. ठीक है, नाउ लास्टली वी विल मूव ऑन टू कोटा. ठीक है, फिर ये वाली साइड कंप्लीट हो जाएगी. सो कोटा में आप क्या देखेंगे, कोटा में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है ऑब्वियसली, इसे नालंदा कहा जाता है राजस्थान का. ठीक है, तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन परसेंटेज देखने को आपको कहां पर मिलेगा, कोटा में. देन हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट. ठीक है, नाउ दिस वाज इन परसेंटेज, बट जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो आपको नॉर्मल लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलेगा कोटा में. एंड देन यहाँ पर हाईएस्ट या मैक्सिमम क्या है, अर्बन पॉपुलेशन. ओके, तो यहाँ पर मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन है. एंड लास्टली जो कोटा एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिवर्स क्रॉस करती हैं. ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवर्स वो कहाँ पर हैं, कोटा में. ठीक है, सो कोटा में 4 पॉइंट्स हैं, हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, देन हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, देन वी हैव हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन या मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन इज रिसाइडिंग इन कोटा, एंड देन मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवर्स क्रॉसेस कोटा. ठीक है, नाउ देन वी विल मूव ऑन टू बांसवाड़ा. बांसवाड़ा में आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर, ठीक है, हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन. ठीक है, एससी नहीं, एसटी पॉपुलेशन इन परसेंटेज. ठीक है, तो एसटी पॉपुलेशन का परसेंटेज हाईएस्ट कहाँ है, बांसवाड़ा में, एंड इट इज 76.4%. ठीक है, 76.4% जो पॉपुलेशन है इन बांसवाड़ा इज एसटी. ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब. देन डूंगरपुर में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा फेवरेबल, मैक्सिमम फेवरेबल सेक्स रेशो देखने को मिलेगा आपको कहाँ, डूंगरपुर में. ओके,
तो ये हो गया बांसवाड़ा में हाईएस्ट एसटी परसेंटेज, देन डूंगरपुर में मैक्सिमम फेवरेबल सेक्स रेशो, ओके। नाउ उदयपुर, नेक्स्ट इज उदयपुर। उदयपुर में आप देखेंगे सबसे पहला पॉइंट है एसटी की परसेंटेज सबसे ज़्यादा थी बांसवाड़ा में, वैसे एसटी पॉपुलेशन इज मैक्सिमम इन उदयपुर, ठीक है। एसटी पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, इन उदयपुर, ओके। देन मैक्सिमम अर्बन लिटरेसी रेट इन परसेंटेज कहाँ है, उदयपुर में, ठीक है। जो नगरीय साक्षरता प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, उदयपुर में। देन उदयपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा रिजर्व्स देखने को मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ रिजर्व, फॉरेस्ट रिजर्व, नेशनल पार्क्स वगैरह। तो आपको सबसे ज़्यादा जो रिजर्व्स हैं वो देखने को मिलेंगे कहाँ, उदयपुर में, या सेंचुरीज आप कह सकते हैं देखने को मिलेंगी कहाँ पर, उदयपुर में। देन ऑब्वियसली इतने सारे रिजर्व्स हैं, सेंचुरीज हैं, सो वी विल हैव लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया इज उदयपुर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्रफल है ऑफ राजस्थान वो कौन सा है, उदयपुर। देन उदयपुर में आपको सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बायोगैस प्लांट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। बायोगैस प्लांट्स सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे इन उदयपुर। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम पंचायत, सो वी हैव 544 ग्राम पंचायत एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पंचायत समिति, दैट इज 17, ओके। तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन है इन नंबर। देन अर्बन लिटरेसी रेट इन परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ है, उदयपुर में। मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंचुरीज, रिजर्व्स, कुछ भी बोलें अपन, वो कहाँ है, उदयपुर में। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, वो उदयपुर में देखने को मिलेगा। बायोगैस प्लांट सबसे ज़्यादा उदयपुर में है। ग्राम पंचायत, दैट इज़ 544 इन नंबर, ये कहाँ है, उदयपुर में है। पंचायत समिति, ये भी आपको देखने को मिलेगी उदयपुर में। मैक्सिमम नंबर ऑफ पंचायत समिति, दैट इज 17। नाउ उदयपुर के बाद नेक्स्ट इज सिरोही। नाउ सी, सिरोही में आपको हाईएस्ट प्लेस, ठीक है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्लेस पे जो लेक सिचुएटेड है, दैट इज नक्की लेक, ओके। एंड इट इज इन राजस्थान द लेक लोकेटेड एट द हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोजीशन पे लोकेटेड है नक्की लेक। द नेक्स्ट इज यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इट इज़ मोस्ट ह्यूमिड रेनफॉल वाला एरिया है। एंड देन आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कोल्ड एरिया भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, दैट इज़ माउंट आबू, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? एक पॉइंट अपन भूल गए यहाँ पर, रेन से याद आया, झालावाड़। झालावाड़ में आपको सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी एंड सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगी, ओके। हाईएस्ट रेनफॉल एट
मैक्सिमम ह्यूमिडिटी वाला डिस्ट्रिक्ट है झालावाड़, एंड सिरोही में ऐसी प्लेस है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी और सबसे ज़्यादा क्या होती है रेनफॉल होती है, एंड वो बहुत ठंडा एरिया है, दैट इज़ माउंट आबू। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर एक प्लेस है सिरोही में, ठीक है, दैट इज़ माउंट आबू। गेटिंग माई पॉइंट? तो सिरोही में दो पॉइंट हैं, दैट इज़ नक्की लेक सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे सिचुएटेड लेक है इन राजस्थान, एंड देन वी हैव मोस्ट ह्यूमिड या मोस्ट रेनफॉल या कोल्डेस्ट एरिया ऑफ राजस्थान, कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ राजस्थान, दैट इज माउंट आबू इज सिचुएटेड इन सिरोही। ओके, नाउ आगे चलते हैं अपन। जालौर में ऐसा कुछ नहीं है, बाड़मेर। बाड़मेर में आपको सबसे ज़्यादा एनिमल रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे, हाईएस्ट या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनिमल रिसोर्स। ओके, आपको कुछ याद आ रहा होगा, दौसा में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनिमल डेंसिटी है। ओके, यहाँ पर एनिमल रिसोर्स है। सो वी हैव कौन कौन से एनिमल रिसोर्सेज में आएंगे, तो ऑब्वियसली वो वाले जानवर जो कि कुछ फ़ायदा हमको दें। ओके, सो एनिमल रिसोर्सेज में आ जाएंगे शीप, गोट, हॉर्सेस, डोंकी, कैमल। ओके, ये सारे एनिमल्स। नाउ अगर सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट हम देखें, दैट इज 32.5% इज इन बाड़मेर। तो सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट कहाँ है? बाड़मेर में। बाड़मेर में भी लाइक उदयपुर वी हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ पंचायत समिति। ओके, लाइक उदयपुर बाड़मेर में भी क्या है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पंचायत समिति, दैट इज 17 इन नंबर। ठीक है, बाड़मेर के बाद वी विल हैव पाली। पाली आप देखिए, ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है विच शेयर्स इट्स बाउंड्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, दैट इज 8 इन नंबर। ठीक है, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालौर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, नहीं भीलवाड़ा नहीं है, आई एम सो सॉरी। ओके, तो 8 डिस्ट्रिक्ट से क्या करती है, अपनी बाउंड्री शेयर करती है पाली, विच इज मैक्सिमम इन नंबर। तो पाली इज अ डिस्ट्रिक्ट विच शेयर्स मैक्सिमम शेयर्स बाउंड्री विद मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट, दैट इज 8 इन नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है पाली, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवेज क्रॉस करते हैं। तो इन टोटल यहाँ पर 7 नेशनल हाईवेज क्रॉस करते हैं पाली में। ओके, तो पाली हो गया, पाली इज डन। नाउ आगे चलते हैं हम जैसलमेर की तरफ। जैसलमेर आप देखेंगे एरिया वाइज सबसे बड़ा है, एरिया सबसे बड़ा किसका है? जैसलमेर का। एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रूरल रूरल पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा जो डिकेडल ग्रोथ है वो देखने को मिलेगा आपको कहाँ? जैसलमेर में। रूरल पॉपुलेशन का डिकेडल ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा इन जैसलमेर। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा आपकी जो बैरन लैंड है या अनकल्टिवेबल लैंड है वो जैसलमेर में मिलेगी, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द डेजर्ट एरिया। ठीक है, देन हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इज इन उदयपुर,
सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम की जनसंख्या है वो कहाँ है? जैसलमेर में। एंड अगर एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ी जो पंचायत समिति है, ओके, सबसे बड़ी जो पंचायत समिति है वो कहाँ है? जैसलमेर में। एंड इट इज सम समिति, ठीक है, सम पंचायत समिति है। इस एरिया का नाम है सम। ये क्या है? एक पंचायत समिति है जो एरिया वाइज सबसे बड़ी पंचायत समिति है, ठीक है। एरिया वाइज क्या है? ये सबसे बड़ी पंचायत समिति है। नाउ जोधपुर, अब हम देखेंगे जोधपुर में यू विल सी सबसे ज़्यादा वुल प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ड्राइस्ट एरिया है विच इज़ फालौदी, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ड्राइस्ट एरिया है विच इज़ फालौदी। एंड अलॉन्ग विद इट जोधपुर में सबसे ज़्यादा, ठीक है, नॉट सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे ज़्यादा एरियाज हैं जहाँ पर हंटिंग रिस्ट्रिक्टेड है। सबसे बड़ा कहाँ है? चूरू में, संवत्सर, कोटसर, ठीक है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ हंटिंग रिस्ट्रिक्टेड एरिया कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है, चूरू में सबसे बड़ा एंड जोधपुर में सबसे ज़्यादा। लास्टली नागौर, नागौर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनिमल फेयर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सलाइन वाटर लेक है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सलाइन वाटर लेक है। ओके, नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द मैक्सिमम वाला पार्ट, ठीक है, क्या क्या मैक्सिमम है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में। नाउ आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, नाउ एक और चीज़ गाइस, जो बाड़मेर और जैसलमेर में जो लोकसभा एरिया है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री एरिया है। ओके, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री एरिया है जो बाड़मेर जैसलमेर वाला एरिया है, लोकसभा एरिया। इट इज़ वर्ल्ड्स बिगेस्ट पार्लियामेंट्री एरिया। ओके, नाउ वी हैव डन मैक्सिमम वाला पार्ट, नाउ वी विल मूव ऑन टू मिनिमम। ओके, सो मिनिमम भी स्टार्ट करेंगे गंगानगर से। गंगानगर में सबसे कम डिकेडल ग्रोथ रेट है, मिनिमम डिकेडल ग्रोथ रेट कहाँ है? गंगानगर में। नाउ सी गाइस, डिकेडल ग्रोथ रेट सिंपली लिखा हुआ है तो वी हैव टू अज्यूम ये पॉपुलेशन के बारे में ही है। ओके, सो मिनिमम डिकेडल ग्रोथ रेट इज इन गंगानगर। देन वी विल मूव ऑन टू चूरू। चूरू में सबसे कम क्या है? फॉरेस्ट एरिया। सबसे कम फॉरेस्ट एरिया कहाँ है? चूरू में। देन वी विल मूव ऑन टू झुंझुनू, नहीं है, सीकर नहीं है, आगे देखेंगे नागौर। नागौर में आप देखेंगे सबसे कम अमाउंट ऑफ जो एसटी पॉपुलेशन है, ठीक है, जो अनुसूचित जनजाति की जो पॉपुलेशन है, शेड्यूल ट्राइब, उनका रेशो सबसे ज़्यादा कम है विच इज़ ओनली 0.3%, ठीक है, 0.3%। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अलवर। अलवर में आप देखेंगे सबसे छोटा क्या है यहाँ पर? वाइल्ड लाइफ रिजर्व विच इज़ सरिस्का वाइल्ड लाइफ रिजर्व। ओके, नाउ ये हो गया भरतपुर में, कुछ नहीं है। धौलपुर, धौलपुर में यू विल सी मिनिमम नंबर ऑफ रोड्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा कम रोड्स वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? धौलपुर। यहाँ पर आपको सबसे कम सेक्स रेशो देखने को मिलेगा। ओके, देन यहाँ ये धौलपुर क्या है? राजस्थान का स्मॉलेस्ट एरिया है, ठीक है,
सबसे स्मॉलेस्ट एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट है, जैसलमेर सबसे बड़ा एंड धौलपुर एरिया वाइज सबसे छोटा। देन यू विल सी यहाँ पर क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनिमल रिसोर्स है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी, सबसे ज़्यादा कहाँ पर थी गाइस, सबसे ज़्यादा थी इन बाड़मेर, ठीक है, सबसे ज़्यादा बाड़मेर में थी एंड मिनिमम इज़ इन धौलपुर, ओके। धौलपुर हो गया, उसके बाद करौली, सवाई माधोपुर, इनमें से कोई सा नहीं है। एंड देन वी विल मूव ऑन टू बूंदी। बूंदी में आप देखेंगे वी हैव कनक सागर सेंचुरी, कनक सागर बर्ड सेंचुरी है इन बूंदी। एंड दिस कनक सागर बर्ड सेंचुरी इज ओवरऑल राजस्थान की सबसे छोटी हंटिंग रिस्ट्रिक्टेड एरिया इज कनक सागर बर्ड सेंचुरी, ठीक है। यहाँ पर हंटिंग क्या है, प्रोहिबिटेड है। एंड इसका नाम क्या है, कनक सागर बर्ड सेंचुरी, ओके। नाउ झालावाड़ में मैक्सिमम में अपन ने देखा था हाईएस्ट ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे झालावाड़ इज मिनिमम वूल प्रोडक्शन कहाँ होता है, झालावाड़ में, इन राजस्थान झालावाड़ में। बांसवाड़ा में मिनिमम मिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कहाँ होता था, जयपुर में, एंड सबसे कम मिल्क प्रोडक्शन कहाँ होता है, बांसवाड़ा में, ओके। नाउ देन वी हैव डूंगरपुर। डूंगरपुर में आप देखेंगे यहाँ पर जो एससी पॉपुलेशन है वो सबसे कम है, ठीक है। डूंगरपुर में अगर मैक्सिमम में हमने देखा था तो वो क्या था, मैक्सिमम फेवरेबल सेक्स रेशो। डूंगरपुर में मिनिमम में सबसे कम क्या है, जो एससी पॉपुलेशन है उसका पॉपुलेशन है, ठीक है। एंड देन एससी का जो रेशो है, ठीक है, जो रेशो है वो भी सबसे कम कहाँ है, वो भी सबसे कम डूंगरपुर में है, विच इज़ ओनली 3.8%, ठीक है। एंड देन आपने देखा था चूरू में सबसे ज़्यादा थर्मल वेरिएशन था, डूंगरपुर में लीस्ट थर्मल वेरिएशन है, ठीक है, थर्मल वेरिएशन। देन वी विल मूव ऑन टू सिरोही। सिरोही में आप देखेंगे सबसे कम गांव वाला ज़िला, ठीक है, सबसे कम विलेजेस हैं, लीस्ट नंबर ऑफ विलेजेस कहाँ है, सिरोही में। एंड सबसे कम लिटरेसी रेट, रूरल लिटरेसी रेट कहाँ है, सिरोही में। देन जालौर। जालौर में आप देखेंगे लीस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, ठीक है, जो लीस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है वो कहाँ है, जालौर में। अलोंग विद इट अगर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो राजस्थान में जालौर इज़ मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जालौर क्या है, सबसे ज़्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देन वी हैव बीकानेर। बीकानेर में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो एस टी पॉपुलेशन सबसे कम कहाँ पर है, बीकानेर में। एंड देन जो रेशो है, ठीक है, जो रेशो है वो भी सबसे ज़्यादा कम कहाँ है, एस टी पॉपुलेशन का, बीकानेर में, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बीकानेर में बेसिकली रेशो है वो 0.3% ही है, ओके। डूंगरपुर में सबसे कम एस सी पॉपुलेशन का रेशो था, दैट वॉज 3.8%। एंड बीकानेर में सबसे कम एस टी पॉपुलेशन का रेशो है, दैट इज़
0.3%. ओके, नाउ लास्ट इज जैसलमेर. ओके, तो जैसलमेर में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं, वी हैव 12 पॉइंट्स इन जैसलमेर. तो जैसलमेर में आप देखेंगे सबसे पहले लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है. उसके बाद में ऑब्वियसली सबसे कम पॉपुलेशन है, ओके, मिनिमम पॉपुलेशन. एनिमल पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा कम है. देन रोड डेंसिटी भी, ऑब्वियसली डेजर्ट एरिया है ज़्यादातर, तो रोड डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा कम होगी. देन पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, रोड डेंसिटी हो गई, देन वी हैव पॉपुलेशन हो गया, एंड देन एनिमल पॉपुलेशन हो गया. उसके बाद में वी विल सी जो पंचायत समिति है वो सबसे कम कहाँ है, जैसलमेर में, विच इज़ ओनली 3. देन सबसे लीस्ट नंबर ऑफ सब डिविजन्स कहाँ हैं, जैसलमेर में, विच इज़ 4. ओके, लीस्ट नंबर ऑफ ग्राम पंचायत, ये भी जैसलमेर में है. लीस्ट नंबर ऑफ विधानसभा सीट, सबसे ज़्यादा जयपुर में है, सबसे कम कहाँ है, जैसलमेर में. देन मिनिमम इंडस्ट्रियल यूनिट, सबसे कम इंडस्ट्रियल यूनिट भी कहाँ है, जैसलमेर में. देन मिनिमम रेनफॉल, मिनिमम तहसील, लास्टली मिनिमम पटवार सर्कल. ये सारे मिनिमम कहाँ हैं, जैसलमेर में. तो लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन, देन एनिमल पॉपुलेशन, रोड डेंसिटी, ये सब कम कहाँ हैं, जैसलमेर में. उसके बाद में सबसे कम अमाउंट ऑफ पंचायत समिति, सब डिविजन्स, ग्राम पंचायत, विधानसभा सीट, ठीक है, देन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, उसके बाद में तहसील्स, पटवार मंडल, ये सब सबसे कम कहाँ हैं, जैसलमेर में. ऑब्वियसली यहाँ पर वी कैन सी एनिमल पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है. वाई? बिकॉज वाटर अवेलेबल नहीं है, डेजर्ट एरिया है. तो लीस्ट जो रेनफॉल होती है वो कहाँ होती है, वो होती है जैसलमेर में. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड मैक्सिमम एंड मिनिमम रीजन्स ऑफ राजस्थान. आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा गाइस. कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इशू हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल. कोई भी क्वेरीज हो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज. आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर. सो आज के लिए इतना ही. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू.